सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चेस एडिक्ट चैनल में। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ इंडियन वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद की, एक ऐसे गेम की जो गेम केवल 6 मूव में हार गए थे। जी हाँ, विश्वनाथ आनंद 6 मूव में हारे थे, और ये गेम था 1998 में खेली गई थी अलोंसो जपाटा के खिलाफ। सो 6 मूव में हारना, जब मैंने पहले ये देखा था तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा था। सो चलो गेम को देखते हैं, वही गेम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो गेम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी e4 के साथ, देन e5, नाइट टू f3 एंड नाइट टू f6। सो इस वाली जो पोजीशन हम इस ओपनिंग को बोलते हैं पैटर ऑफ डिफेंस, और ये काफी मतलब रशियन गेम भी बोलते हैं इसे। तो इस वाली पोजीशन में आप नाइट से पॉन को टेक कर सकते हो e5 वाले को, और दूसरे नाइट को भी डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी वेरिएशन है इस मूव में। सो इस वाली पोजीशन में खेला गया नाइट एक्स e5 एंड देन d6। तो अभी नाइट पे अटैक है तो नाइट गोज बैक टू अगेन e f3। सो इस वाली पोजीशन में जो नाइट टेक्स, इस पॉन को टेक करना जरूरी था, वरना पॉन का एक पॉन का वो जाता डिसएडवांटेज हो जाता। सो नाइट टेक्स e4। सो इस वाले फिर से खेला गया नाइट टू c3। तो अभी आप नाइट को टेक कर सकते थे, तो विश्वनाथ आनंद ने ब्लंडर किया, जिसके बाद उन्हें गेम को रिजाइन करना पड़ा। तो वो ब्लंडर था नाइट टू f5, और ये ब्लंडर इसलिए था क्योंकि अभी अगर यहाँ पे जो व्हाइट ने मूव खेली, वो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि आप इस ब्लंडर का कैसे फायदा उठा सकते हो। तो रेडी, तो उन्होंने खेला क्वीन टू e2। अभी देखिए इस वाले जो नाइट है, इस पर डबल अटैक है दोनों से। तो अगर ये टेक करता है, फिर आप बिशप पे टेक करोगे, फिर ये टेक करोगे, और ये चेक के साथ आ रहा है, और आप पूरा पीस डाउन हो जाओगे इस वाली स्थिति में। और आप सोच रहे कि अगर आप क्वीन भी निकालते हो, इस पर एक डिफेंडर भी लगाते हो, तो देन आ रहा है नाइट नाइट टू d5। सो इस वाली पोजीशन में आपके क्वीन पर पूरा का पूरा अटैक है। तो आप अभी क्या करोगे? अगर आप यहाँ पे जाते हो e6 में, तो यहाँ से जो ये अटैक आ रहा है, और ये फोर्क हो रहा है बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस पे, तो इसलिए आप क्वीन को यहाँ पे नहीं ले जा सकते हो, और बाकी यहाँ पे भी नहीं ले जा सकते हो क्योंकि यहाँ से अटैक हो रहा है। तो आपको वापस इसको ले जाना पड़ेगा। अगर आप क्वीन को पीछे ले जाते हो तो ये मूव आ रही है, और ये पूरा का पूरा पीस डाउन हो रहा है उस हिसाब से। तो इसी वाली पोजीशन में बैक चले अगर, तो इस वाली पोजीशन में विश्वनाथ आनंद ने 6वें मूव में गेम को रिजाइन कर दिया था। गेम को रिजाइन करने के पीछे ये भी कारण था कि अगर वो आगे भी खेलता, अगर उनके पीसेस थोड़े डेवलप होते, अगला चेक के साथ आ रहा है और एक पूरा पीस डाउन हो रहा है, तो विश्वनाथ आनंद ने ब्लंडर किया और 6वें मूव में गेम को गंवा दिया। ये उनका सबसे मतलब सबसे कम मूव में हारने का रिकॉर्ड है विश्वनाथ आनंद का, जो उन्होंने सबसे कम मूव में हारा है, यही गेम था। सो अगर आपको गेम अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।